राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। नमस्कार, MPCG 24 समाचार में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं खैरलांजी क्षेत्र की, जहां एक बार फिर उमड़ा बाहर से आने वाले मजदूरों का समूह मोवाड़ बॉर्डर पर। मध्य प्रदेश की सीमावर्ती ग्राम पंचायत मोवाड़ बॉर्डर पर आज फिर एक बार बाहर से आने वाले मजदूरों की संख्या देखी गई। ज्ञात है कि बालाघाट जिला पहले ग्रीन जोन में था। खैरलांजी के ग्राम भजियादंड में एक पॉजिटिव केस मिलने से बालाघाट जिला रेड जोन में प्रवेश कर गया। लोगों की भीड़ फिर भी कम नहीं हो रही है। तहसील मुख्यालय में भी दुकानों, सड़कों, सरकारी दफ्तरों में लोगों की भारी मात्रा में भीड़ देखी जा रही है। सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया जा रहा है और ना ही मास्क लगाया जा रहा है। इससे संक्रमण बढ़ने का खतरा और बढ़ रहा है। प्रशासन को इस ओर ध्यान देते हुए तहसील मुख्यालय पर लोगों की बढ़ती भीड़ पर अंकुश लगाने की ज़रूरत है, नहीं तो वो दिन दूर नहीं बालाघाट जिले की भी तस्वीर बदल कर वैसी ना हो जाए जैसे जबलपुर, भोपाल, इंदौर की है। मेरा नाम योगेश सागर है। मैं स्वास्थ्य केंद्र खैरलांजी से रेडियोग्राफर हूँ। यहाँ मोवाड़ ड्यूटी लगी हुई है मेरी सुबह 8 से 2 बजे तक। तो इसमें जो बाहर से शरणार्थी आ रहे हैं अपने ज़िले के, तो उन लोगों के को पूछा जाता है कि आप कहाँ से आ रहे हो, रेड जोन से हो, ग्रीन जोन से या येलो जोन से। उस आधार पर उनका कार्ड बनाया जाता है। जैसे अपने पास रिकॉर्ड है कि अभी फ़िलहाल में मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, सूरत, इंदौर, भोपाल या दिल्ली से जो लोग आ रहे हैं जी, वो क्या रेड जोन कहला रहा है, तो उनका कार्ड बनाया जाता है। इस कार्ड के द्वारा यहाँ पे उनसे परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद उनको क्वारंटाइन कर दिया जाता है 14 दिन के लिए। हम लोग यहाँ से परमिट कर देते हैं। बस अभी तक के टोटल 17,406 लोग आ चुके हैं इस बॉर्डर से। अच्छा, है ना। और आज की डेट में सुबह 8 से अभी तक करेंट टाइम है 11 बजे तक 34 लोग हो चुके हैं हमारे सहपाठी साथ में। तो सर, और क्या आपके द्वारा क्या समझाइश दी जा रही है? हमारे द्वारा समझाइश दी जाती है कि आप ये कार्ड को लेके यहाँ से पास होकर, वो अगर रेड जोन से है तो उनको क्वारंटाइन किया जाता है, अगर वो रेड जोन से नहीं है तो उनको होम क्वारंटाइन की सलाह दी जाती है। जो जाके अपने वहाँ पंचायत लेवल की सूचना देते हैं, वहाँ हमारी स्वास्थ्य कार्यकर्ताएँ रहती है, NM बहन जी, आशा कार्यकर्ता, उनके द्वारा रोज़ जाके उनकी मॉनिटरिंग की जाती है और उनके होम क्वारंटाइन की का परीक्षण किया जाता है कि वो स्वस्थ हैं या नहीं है। सर, कोई समस्या आ रही है आपको यहाँ पर? नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। समस्या नहीं। हाँ। क्या नाम है आपका? राजेश यादव। कहाँ से आ रहे हैं आप? औरंगाबाद पाचूर। कहाँ जाएंगे? बड़ी पनबिरी, लालबर्रा। लालबर्रा जाएंगे। तो अभी आप कैसे आए? गाड़ी से आए ना। कौन सी गाड़ी? फोर व्हीलर। बना क्या है? हाँ, बना। कहाँ तक छोड़ी गाड़ी आपको? ये बॉर्डर तक। बॉर्डर तक छोड़ी? बॉर्डर। हाँ। अपने पैसे से बना क्या है आप? हाँ। अच्छा, वो वहाँ जो आप कहाँ से आ रहा है बोल रहे हैं आप? पाचोड़। IRB कंपनी है, 4 लाइन। हाँ, तो अच्छा, काम करने गए थे आप? हाँ। तो अभी तो जैसे गवर्नमेंट ने बोली थी कि जहाँ हो वहीं पर रहो, फिर आप कैसे आए? काम ही चालू नहीं है ना, बंद है। तो वहाँ के मालिक के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई आपकी? व्यवस्था हुआ है थोड़ा। क्या व्यवस्था किया उसने? खान पीन का हुआ। अच्छा, दिक्कत ही आने लगी ना, ज़्यादा बढ़ने लगा। अच्छा, जो गाड़ी बना के आए थे आप, तो कितने में बनाए थे गाड़ी? कितने में बनाए? 16,000 में बनाए थे। हाँ। कितने लोग थे उसमें गाड़ी में? 7 लोग। 7 लोग। अब यहाँ से आप लालबर्रा जाएंगे? हाँ, ओके।